अब बात आंध्र प्रदेश की। बारिश और बाढ़ से यहां कहर बरप रहा है। अब तक 33 लोगों की जान जा चुकी है। पेन्ना नदी में उफान से नेल्लोर के पास चेन्नई से कोलकाता जाने वाले नेशनल हाईवे 16 का एक हिस्सा टूट गया है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक 30 के बाद ऐसी आपदा आई है। पानी ही पानी, सड़कों पर पानी भर गया, पानी के प्रहार से पुल टूट गए। लोगों को बचाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा। ये तस्वीर आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले की है। ये चेन्नई को कोलकाता से जोड़ने वाला NH-16 है। पन्ना नदी में पानी का ऐसा उफान आया कि हाईवे दो हिस्सों में बट गया। स्थानीय प्रशासन की माने तो नेल्लोर में 30 साल में ऐसी तबाही पहले नहीं देखी गई। मेरे हिसाब से और लोगों के हिसाब से पिछले 30 ईयर से ऐसा सिचुएशन कभी भी नहीं आया था। यही फर्स्ट ईयर विद इन 30 ईयर्स में ये फर्स्ट टाइम ऐसा आ गया था। ये अनएक्सपेक्टेड है। तस्वीरें देखिए, सैलाब का पानी किस तरह रिहायशी इलाकों में घुसा है। सड़कों पर सीने भर पानी बह रहा है। बाजार में पानी ही पानी है। दुकानदारों और खरीदारों की जगह यहां राहत कर्मी नजर आ रहे हैं। SDRF और NDRF की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। कल 500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। करीब 1000 से ज्यादा लोग इस इलाके में फंसे हुए थे। रेस्क्यू किए गए लोगों के लिए नेल्लोर में राहत कैंपों का इंतजाम किया गया है। राहत ऑपरेशन के दौरान शनिवार को SDRF के एक कांस्टेबल की मौत हो गई। रेस्क्यू करते हुए लाइफ जैकेट अनलॉक होने से कांस्टेबल पानी में डूब गया। हम लोग 520 आदमी को अभी रेस्क्यू कर चुके हैं और फूड वगैरह सब प्रोवाइड कर रहे हैं। ड्रिंकिंग वाटर, जितने भी पब्लिक फंसे हैं उन लोग सब रेस्क्यू कर रहे हैं। जिसको हॉस्पिटैलिटी जरूरत है उनको भी हम लोग हॉस्पिटल का एम्बुलेंस के जरिए हम भेज रहे हैं। आंध्र प्रदेश में बारिश से जुड़े हादसों में मरने वालों की संख्या 33 पहुंच चुकी है। 12 लोग लापता हैं। आशीष पांडे, नेल्लोर, आज तक।